जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईडी ब्रांच पे। तो साथियों, साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है। जैसा आप लोगों को साथियों पता है कि रेलवे की एएलपी या टेक्नीशियन की वैकेंसी जो है बहुत ही जल्द देने जा रही है, जो कि रेलवे इंडियन रेलवेज। तो यहाँ पर साथियों एक जो है नोटिस है जिसको कि आप लोग को दिखाएंगे, जिससे कि ये चीज़ें आपको पता चलेंगी कि जो इस फील्ड में की जो है वैकेंसी जल्द से जल्द रिलीज हो, उसमें क्या कार्य चल रहा है, उसमें क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या प्रक्रिया चल रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा साथियों, तो ये जो है सिकंदराबाद, जो कि साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से जो है जारी किया गया था, इसमें देखिएगा तो दिया गया है एंटिसिपेटेड वैकेंसीज, मतलब कि जो है जो वैकेंसीज जो प्रिवेल कर रही हैं अभी, उसकी उसका ब्यौरा मांगा गया है। यहाँ पर देखिएगा तो दिया गया है, ये जितने भी जनरल मैनेजर्स हैं उन सभी को लिखा गया है, जो जो भी जोन के जो जनरल मैनेजर्स हैं सबको लिखा गया है। हालांकि ये जो आप नोटिस देख रहे हैं ये साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से आउट हुआ है, बट और दूसरे दूसरे बोर्ड से भी ये चीज़ें आ जाएंगी। देखिए इसमें क्या दिया है, समझ लीजिए। इट इज़ एडवाइज टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ एंटिसिपेटेड वैकेंसी ऑफ सुपरवाइजर्स आर्टिशियंस एंड असिस्टेंट कैटेगरी स्टाफ फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर 2023 एंड 2024 टू द ऑफिस इमिडिएटली। कहा गया है कि जो 2023-2024 ठीक है, 2 साल का जो भी एंटिसिपेटेड जो भी वैकेंसीज क्रिएट होंगे, दैट मीन्स कि जैसे आपको देखिए 2024 की वैकेंसी क्रिएट होंगी, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे बहुत सारे जो है ऑफिसर्स या फिर जो है आपका लोको पायलट्स या फिर जो है टेक्नीसियन, ये सब रिटायर भी तो करेंगे, है ना। तो उन सभी की वैकेंसीज जो है जो जो प्रिवेल होंगी, जो 23 और 24 में जो जनरेट होगी, उन सब का जो है ब्यौरा मांगा गया है। देखिए यहाँ पे सुपरवाइजर्स जैसे कि आपका JEE का पोस्ट हो गया, आर्टिशियंस जैसे कि आप लोगों का जो आपका टेक्नीशियन ये सब का पोस्ट हो गया, फिर असिस्टेंट ये सब में जो आपका लोको पायलट ग्रुप डी सब का जो पोस्ट हो गया, उन सभी का जो है ब्यौरा मांगा गया है 2 साल का, 2023 और 2024 का, ठीक है। तो इसको ऑफिस में इमिडिएटली क्या करना है, इसका डिटेल्स भेजना है। अब इसका डिटेल्स भेजने का मतलब क्या हुआ कि जाहिर सी बात है कि जो नई नियुक्ति है, जो जो नए जो वैकेंसीज जो है वो पता चलेगा, है ना, बोर्ड को, और उसके बाद फिर वो विज्ञापन जारी कर सकेगी। तो ये जो है साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। अब साथियों आपको यहाँ पे बता दें कि जो भी कैंडिडेट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो उनको लग रहा होगा कि बहुत दिन से जो है ये बातें चल रही हैं कि अप्रैल में, तो मई में, तो मार्च में। देखिए आपको एक बात हम बता देते हैं कि जो ये वैकेंसीज़ हैं, खासकर रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन की जो वैकेंसीज़ है, ये वैकेंसीज़ 2024 ठीक है, 2024 में चूँकि जो है इलेक्शन है, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है वैकेंसीज 2024 के पहले जारी तो किया ही जाएगा, बट ये कहा जाना कि जो है मार्च में, अप्रैल में, मई में, ये सही नहीं होगा साथियों, क्योंकि जो है ये सही मायने में देखा जाए तो ये किसी को जानकारी नहीं है। भले लोग बोल रहे हैं, यूट्यूब पे भी अनाप शनाप जो है जो पेड कोर्स बेचते हैं उन लोगों का ज़्यादा ये फोकस है, उन लोग का ज़्यादा कहना है कि मार्च में देबे करेगा, अप्रैल में देबे करेगा, ये बात जो कह रहे हैं ना वो अपना सिर्फ कोर्स, पेड कोर्स बेचने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ श्योर शॉट कहीं तरफ से कहीं से भी ये सूचना नहीं है। लोग तो यहाँ तक भी बोल देते हैं कि हमारे जो जोन के जो जनरल मैनेजर हैं उनसे डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात हुआ है और कहे हैं कि मार्च में दे देंगे, अप्रैल में दे देंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। बट हाँ ये बात श्योर है कि 2024 के पहले आएगा, लेकिन कब आएगा ये किसी को जानकारी नहीं है, ठीक है। बट हाँ ये मान के रखिए कि इस साल के जो है एंड ऑफ द 3 मंथ्स 4 मंथ्स पहले में भी दिया जाए, ठीक है। तो आप लोग बस तैयारी अपना करते रहिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए, काफ़ी है, ठीक है। और यहाँ पे तो आपने देखा इस जो जो नोटिस जारी किया गया था 22 फरवरी को, उसके बारे में हमने आपको डिटेल्स दिया है। तो चलिए साथियों, इस तरह की अपडेट्स जो है चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं, जो भी रेलवे से जुड़ी हुई अपडेट्स होती है, रेलवे जॉब अप्रेंटिस से जुड़ी अपडेट्स होती है, या फिर आपके ITI से जुड़ी अपडेट्स होती है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।